माइनक्राफ्ट में टोटल 4 डिफिकल्टीज हैं, पीसफुल, इजी, नॉर्मल और हार्डकोर। और सबको पता है कि हार्डकोर खेलना सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं अपने गेम को और हार्ड बनाने के लिए ट्राई करने वाला हूँ कुछ ऐसी इम्पॉसिबल चीजें जिससे कि माइनक्राफ्ट खेलना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। और हाँ, तब तक तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, वो चीज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। लेट्स बिगिन। माइनक्राफ्ट खेलना बड़ा इजी सा हो गया यार, जैसे कि पेड़ों को काटना बड़ा इजी काम है, इन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करना ये भी बड़ा इजी काम है, एंड आजकल तो हम एंडर ड्रैगन को भी मजे मजे में मार देते हैं। लेकिन कैसा होगा जब मैं कुछ ऐसा हो जाऊं? भाई हाइट में मैं अब 100 गुना छोटा हो चुका हूँ, आसपास के सारे मॉब्स आपसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, साथ के साथ ये ज़ॉम्बीज़ को मारना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड एक बार इमेजिन करो, इतना छोटा बन कि आप एंडर ड्रैगन से लड़ोगे भी तो कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, कभी भी छोटा बन के ना इन स्लाइम्स के पास और मैग्मा क्यूब्स के पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपके ऊपर कूद के किस चीज से दबा के मारेंगे ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। एंड एक और फनी चीज बताऊँ, इतने बड़े से बेड पे अगर आप सोओगे तो इतने ज्यादा छुटकू से लगोगे, और तो और अगर आपको एक ब्लॉक क्लाइंब करना है तो उसके लिए भी आपको लैडर्स लगानी पड़ेगी। तो देख लो यार, छोटा बन के बड़ी ज्यादा मुश्किलें होती हैं, इसलिए तो बचपन में हमको मम्मी बॉर्नविटा पिलाती थी। और एक सेकंड, क्या आप भी बॉर्नविटा पीते हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना। हम हमेशा माइनक्राफ्ट को स्टीव या एलेक्स बन के खेलते हैं, लेकिन कैसा होगा जब मैं आपको बोलूं कि फिश बन के खेलो? आई नो ये बहुत ज्यादा बेवकूफ आइडिया है, लेकिन ऐसी तो हमारा गेम हार्ड बनेगा। एक बार अगर आप फिश बन गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी ऑक्सीजन की। भाई आप जमीन के ऊपर बिल्कुल नहीं रह सकते हो, आपको जिंदा रहने के लिए हमेशा पानी के पास रहना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत अनोइंग है यार। बार बार जमीन पे जाओ, लकड़ियां तोड़ो, फिर से पानी में आ जाओ, फिर से बाहर जाके एनिमल्स को मारो, फिर से पानी में आ जाओ। भाई बहुत ज्यादा हेडेक वाली चीज है। तो चलो जैसे तैसे करके आप अपने ओवरवर्ल्ड में तो सरवाइव कर लोगे, लेकिन नेदर में क्या होगा मेरे भाई? वहाँ तो पानी की एक बूंद भी नहीं होती। तो इसके लिए हमेशा आपको अपने पास एक कोल्ड रोन रखना पड़ेगा जिसमें पानी भराओ, सांस लेने के लिए बार बार उसमें जाओ और फिर से बाहर आके अपना काम करो। अरे मेरी मैया, मैं नहीं कर सकता ये। और सबसे मेन चीज, एंडर ड्रैगन को कैसे मारोगे? भाई इतनी छुटकी सी मछली इतने बड़े से ड्रैगन से लड़ने जा रही है, मैं बताना भी नहीं चाहता कि कितना बुरा हशर होगा हमारा। तो इसको बोलते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। माइनक्राफ्ट में ना मरना, ये क्या इम्पॉसिबल चीज में आ सकता है? बिल्कुल भाई, ये है एक ऐसा डाटा पैक जिससे कि आप कभी मर ही नहीं पाओगे। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें मुश्किल क्या है, मैं बताता हूँ। जब भी आप किसी भी हॉस्टाइल मॉब को मारने जाओगे वो हवा में उड़ के खुद ही मर जाएगा, तो इनको मारने की अचीवमेंट को तो आप भूल ही जाओ। और अगर आप पानी के अंदर जाओगे तो आपके हाथों में ट्यूब आ जाएगी। अरे मेरे भाई, अब आप ओशन मॉन्यूमेंट्स को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और अगर आप बहुत सारे TNT को फोड़ के एक बड़ी सी केव बनाना चाहते हो तो ये भी चीज अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इनको जलाओगे ये फटेंगे ही नहीं, तो आपका केव बनाने का सपना भी मिट्टी में मिल जाएगा। और गाइस, कभी कभार हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं माइनक्राफ्ट में, बिल्कुल खेलने का मन नहीं करता है, ना ही कुछ करने का मन करता है। और अगर आप लावा में जाके सुसाइड करना चाहते हो तो अब वो भी चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे आप लावा में जाओगे तो आपको हार्ट्स मिलने लग जाएंगे, और आपका मन है एंडर ड्रैगन को मार के बहुत सारी एक्सपी लेने का तो ये भी भूल जाओ। जैसे आप एंडर ड्रैगन के पास जाओगे बेचारे का सिस्टम ही लैग हो जाएगा, तो इस डाटा पैक में आप एंडर ड्रैगन को भी नहीं मार पाओगे। तो है ना भाई, ये इम्पॉसिबल टू प्ले माइनक्राफ्ट। वेल, अब जरा मैं आपको माइनक्राफ्ट का एक लॉजिक बता देता हूँ। यार देखो, कुछ भी हो हम लोग पानी तो हमेशा ही पीते हैं, और उसको नहीं पियेंगे तो ऑब्वियसली मर जाएंगे। लेकिन ये बुद्धू सा स्टीव इतना खाना खाता है लेकिन पानी तो एक बूंद भी नहीं पीता। खैर इसको छोड़ो, कैसा होगा हमारा जब वाटर और लावा एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए? सबसे पहले तो ये हमारा पूरा समुंदर लावा का बन चुका है, और इसमें भाई स्विमिंग तो छोड़ो, कोई फिशिंग भी नहीं करने वाला। और जो हमारे लावा पूल हुआ करते थे अब वो वाटर पूल बन चुके हैं। और नेदर को हम कैसे भूल सकते हैं, वहाँ पर जो लावा था सारा पानी में बदल चुका है। तो कह सकते हैं कि ओवरवर्ल्ड में खेलना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा हो चुका है, क्योंकि भाई आए दिन हर जगह आग लगने वाली है। और अगर हम नेदर की बात करें तो यहाँ पर तो खेलना अब इजी होने वाला है, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी है मेरी जान। लेकिन जैसा हमारा ओवरवर्ल्ड में बुरा हाल है, ऐसी नेदर के अंदर इन पुअर स्ट्राइडर्स का हाल होने वाला है, क्योंकि बेचारे स्ट्राइडर्स पानी में आते ही मर जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अब अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्ट्राइडर भी है जिसके लिए खेलना पॉसिबल हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप IPL देखते देखते अपने ओपिनियंस दे सकते हो lotus.365.in पर, और जीत सकते हो बहुत सारे रिवॉर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कि मैच कौन जीतेगा या टॉस कौन जीतेगा, और ऐसी 50 से ज्यादा क्वेश्चन जो क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं। और अगर आप अभी रजिस्टर करते हो lotus365 पे तो आपको 365 rupees बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और तो यहाँ पर आपको मिलती है 1-to-1 24 कस्टमर सर्विसेज, और 10 मिलियन से ज्यादा पीपल लोटस 365
65 को खेलते हैं एंड यहाँ पर 200 से ज्यादा गेम्स है इंक्लूडिंग क्रिकेट, और अगर आपका आंसर सही हुआ तो आप यहाँ पर अट्रैक्टिव प्राइजेस भी जीत सकते हो। और इस ऐप को बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ने तक प्रमोट कर रखा है, और तो और भाई ये इनके ब्रांड एंबेसडर है। तो अब अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, जल्दी से lotus365.in पर रजिस्टर करो, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। माइनक्राफ्ट का सबसे हार्डेस्ट मोड आपको हार्डकोर लगता होगा ना, क्योंकि अगर आप उसमें एक बार ही मर जाओगे तो वापस कभी स्पॉन नहीं हो पाओगे और आपका सामान भी मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है आप इसको और भी ज्यादा हार्ड बना सकते हो। आपको हार्डकोर वर्ल्ड में खेलना तो है लेकिन विदाउट आर्मर और विदाउट किसी वेपन के साथ। भाई सुनने में कितना इम्पॉसिबल है तो करने में कितना ज्यादा मुश्किल होगा। तो जैसे ही आप इस वर्ल्ड में स्पॉन होगे तो लकड़ियां तो आप काटोगे लेकिन सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर वेपन्स को क्राफ्ट नहीं कर सकते। तो का बस एक गोल होगा, सिर्फ खाना ढूंढना। तो आपको अब इन एनिमल्स को भी अपने हाथों से मारना पड़ेगा ताकि थोड़ा बहुत खाना मिल सके, और साथ ही साथ आपका एक अच्छा सा लक होना चाहिए ताकि आपको एक रुइन पोर्टल मिल जाए जिसके अंदर ऑब्सीडियन भी हो और आप उसको इग्नाइट करके नेदर पोर्टल बना सको। और चलो आप नेदर के अंदर आ तो गए, यहाँ पर तो आपकी और हालत पतली होने वाली है क्योंकि आपको हर कोई बहुत बुरी तरह मारेगा और ब्लेज रोड इतना ज्यादा मुश्किल होगा मिलना, बस क्या ही बताऊं। और चलो मान लेते कि आपने सब कुछ कर लिया और जैसे तैसे करके आप एंड पोर्टल में आ गए। अब क्या आप एंडर ड्रैगन को मार सकते हो बिना वेपन्स और बिना आर्मर के? भाई ये तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, अगर कोई कर सकता है ना मेरे को नीचे कमेंट में बताना। माइनक्राफ्ट की एक ऐसी सीट जिसको खेलना नामुमकिन है, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, जब भी आप कोई वर्ल्ड क्रिएट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप कहाँ स्पॉन होगे? या तो किसी ग्रास ब्लॉक पे, डेजर्ट बायोम में, एंड ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक ऐसी जगह स्पॉन हो गए कि सामने बहुत बड़ी खाई है, या तो सीधा कैक्टस पे स्पॉन हो गए। लेकिन ये है एक ऐसी सीट, जैसे आप इस वर्ल्ड को क्रिएट करोगे आप सीधा लावा से भरे पूल में स्पॉन हो जाओगे, एंड वहां से बचने की तो उम्मीद भी मत करना, क्योंकि अगर आपको बचना है तो आपको इन स्टोन ब्लॉक्स को तोड़ना होगा और हाथ से तोड़ते आप दुनिया से उठ जाओगे। तो बोला था ना, इस सीड को खेलना अनप्लेएबल और इम्पॉसिबल है। माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ भी करने के लिए आपको अपने पैरों से तो चलना पड़ेगा ही, जैसे अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो भी आपको चलना ही पड़ता है, लेकिन एक चैलेंज ऐसा है कि आपको मूव तो करना है बट आपको अपने पैरों को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। सुनने में बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप एक पेड़ के पास स्पॉन हो जाते हो और उसकी लकड़ियां तोड़ के अगर आप एक बोट बना लोगे तो ये चैलेंज हम थोड़ा बहुत जीत सकते हैं। एक एक करके आपको बोट को प्लेस करना है और उसके ऊपर बैठ के आप धीरे धीरे मूव हो जाओगे। बड़ा ही सरदर्द है ये करने में, और ऐसे करते करते आप अपनी प्रेस करोगे एंड देन आप पिक के ऊपर बैठ के कैरेट का यूज कर सकते हो। जस्ट इमेजिन करो, इस पिक के ऊपर बैठ के आपको पहले एंड पोर्टल ढूंढना है, देन एंड डायमेंशन में जाके इस एंडर ड्रैगन को भी मारना है, वो भी इस पिक के ऊपर बैठकर। ओह गॉड, ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है करने में तो हद से ज्यादा मुश्किल है। हमारे माइनक्राफ्ट में दो तरीके के मॉब्स होते हैं, एक तो ये प्यारे प्यारे से मॉब्स जो हमको कभी कुछ नहीं कहते हैं, और एक तो ये बेशरम से मॉब्स जो हमको हमेशा परेशान करते हैं। लेकिन चलो अपने गेम को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाते हैं मेरे भाई। एक ऐसा डेटा पैक है जिसमें ये प्यारे प्यारे से मॉब्स अब आपकी जान के दुश्मन हो चुके हैं। आप इनके पास अगर खाना लेने जाओगे ना तो आपको इतना भगा भगा के मारेंगे कि एक टाइम पर आपको ही शक हो जाएगा कि भाई वो सुअर है या मैं सुअर हूँ। और जो ये छोटी सी मुर्गी है ना भाई, अब तो ये भी हमको एटीट्यूड दिखा रही है, तो समझ जाओ अब घर से बाहर निकलना तो मुश्किल सा हो जाएगा। भाई कोरोना की याद आ गई, तब भी हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो देखो यार, अब आपको खाने के लिए ना ये विलेजर्स के ऊपर ही डाका मारना पड़ेगा या तो फार्मिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इन मॉब से तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दो। ये चिकन का जो आप लेग पीस बना के खाते थे ना, ये चिकन अब आपका लेग पीस खाएगी, और साथ के साथ ये गौ माता, यार ये भी हमको प्यार नहीं दिखा रही है, ये भी भगा भगा के मारेगी। तो यार इस तरीके से भी हम माइनक्राफ्ट को बहुत मुश्किल बना सकते हैं खेलने में। तो ठीक है गाइस, एक चीज बताता हूँ, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसकी तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा मैं। तो आज के लिए इतना काफी रहेगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।